में तीन आईएएस के अभ्यर्थियों की जान। हमारी विशेष पेशकश देखिए। पता चला तब हम तो क्या हाथ मीच के रह गए थे रो रुक के। माँ के सारे सपने माँ बाप के टूट के चूर चूर हो गए। आज मेरी बच्ची इस घर से कैसी छात्रा थी वो चली गई। आज भी उनको सिर्फ चेहरा देखने की इच्छा है, चेहरा सिर्फ तला रहेगी ये शायद। अभी इस तरह से पानी भरना अचानक और इस तरह से दुर्घटना होना, ये तो अशोभनीय है। कोचिंग हादसे में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई। अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया यादव, बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली तानिया सोनी और केरल में इरनाकुलम के नेविन डेल्विन। परिवार के साथ वो खुशियां मना रहे थे कुछ समय पहले तक, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि परिवार से दूर रहकर, क्योंकि आईएएस बनना बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए तपस्या थी, तपस्या कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में एकाएक आईएएस की वो कोचिंग करते समय, पढ़ते समय पानी भरा, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, वो दरवाजा नहीं खुल पाया और इसी की वजह से तीनों डूब कर मर गए। दिल्ली में जो हादसा हुआ वो क्यों हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और ये बात तो कानून तय करेगी, उसके मुताबिक उन्हें सजा भी मिल सकती है। लेकिन इस हादसे में जिन तीन नौजवानों ने अपना जीवन खो दिया, उनके घर वालों को कितनी खुशियों की उम्मीद थी, लेकिन अब केवल दर्द है। बिहार के औरंगाबाद की 25 साल की तानिया, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की 25 साल की श्रेया और एर्नाकुलम केरल के 28 साल के नेविन, ये तीनों वो बदकिस्मत नौजवान थे जिनकी इस हादसे में जान चली गई, क्योंकि वो जो बायोमेट्रिक से दरवाजा खुलने वाला था वो शॉर्ट सर्किट की वजह से, यही प्रारंभिक जांच में कहा जा रहा है, वो खुला ही नहीं। 25 साल की श्रेया, तस्वीरें देखिए तो जीवन से भरपूर, आंखों में सपने की चमक, कुछ कर गुजरने की ललक, अब सब कुछ खत्म हो गया। नदी किनारे चलती चिता की ज्वाला में धुएं की तरह उड़ गए वो सपने, सूनी आंखों में आंसू भी सूख चुके हैं। वो पिता जिसने अपनी बेटी को बड़े अरमानों से अफसर बनाने की हसरत रखी थी, आज बेटी को मुखाग्नि देकर वो पिता विचार शून्य सा बैठा है। जिसे बड़े लाड प्यार से पाला था, उस बेटी की मौत का सच उसे कबूल नहीं था। वो अपनी लाडली का चेहरा कुछ देर और देखने की कोशिश में बैठे थे। आज भी उनको सिर्फ चेहरा देखने की इच्छा है, अभी रहे अभी चेहरा सिर्फ पड़ा रहे, ये इच्छा एक बाप की, चेहरा सामने आ रहा है। घर पर भी कहते थे रहने तो, अभी थोड़ी देर बाद जाएगी, करना तो है ही है, इतना भी मालूम है, लेकिन जितनी देर रहेगी उतने सही है आखिरी वक्त। तो आप अंत्येष्टि भी कुछ देर बाद करना चाहते थे कि कम से कम उसको अंत्येष्टि भी जितने लेट हो जाए। राजेंद्र यादव को नहीं पता था कि उनकी बेटी की मौत के जवाब दे कौन लोग हैं। शायद वो अपनी ही तकदीर को कोस रहे थे। बेटी को अच्छी शिक्षा, अच्छे भविष्य की उम्मीद में उन्होंने जो भरोसा सिस्टम पर किया था, उसे सिस्टम ने एक झटके में चकनाचूर कर दिया था। हमने जो सोचा था सोच समझ के उस वहाँ करा किया था कोचिंग में, अब कोचिंग की क्या व्यवस्था कैसे है, हमको सिर्फ भरोसा था, अब भरोसे में कहाँ किसकी गलती है, ये तो शासन प्रशासन को देखना चाहिए क्या मानक उसका है, क्या कैसे है वो, कैसे चला रहा था, कैसे ये हादसा हुआ, ये सब जांच का विषय है। आप कठोर कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल, इसलिए चाहते हैं कि बाकी जो देश के भविष्य वहाँ जाते हैं, मैंने सब समझाया सुना है कि अच्छे अच्छे बच्चे वहाँ रहते हैं, तो उनके साथ भी न्याय हो, ऐसा ना हो कि मैनेज करके हर ये प्रक्रिया कभी कभार होती रहे,
वो चीज दुरुस्त होनी चाहिए। अंबेडकर नगर के अकबरपुर के रहने वाले राजेंद्र यादव के पास ना तो नौकरी है और ना ही वो उद्योगपति है। बरसावा हाशिमपुर के एक ग्रामीण ने किसी तरह बेटी को पढ़ा लिखा कर अच्छा भविष्य देने की कोशिश की थी। एक महीने पहले ही कोचिंग में दाखिला कराया था। घर की बच्ची को खो चुके परिवार की एक ही दरियाफ्त है कि इस हादसे में जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें ऐसी सजा जरूर मिले कि आगे किसी माँ का आंचल सूना ना हो और किसी पिता के सपने यूं ना उजड़े। जिस रिहायशी इलाके का जिक्र करते हैं ये भाई साहब, वो इलाका नहीं है, वो समझिए कि एक ऐसी जगह है जो जाने कितने पूरे भारतवर्ष के बच्चे बच्चियों का भविष्य बनाता है। और जब कोचिंग सेंटर्स का ये हाल हो जो मोटी मोटी फीस पेरेंट्स से लेते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़िए बच्चों की सेफ्टी नहीं दे पाते हैं, तो शायद इसे दुर्घटना या हादसा नहीं बल्कि हत्या ही कहा जाएगा। क्योंकि इस परिवार पर जो गम का पहाड़ टूट पड़ा है उसका जवाब ना कोचिंग सेंटर के पास है, ना वहां के प्रशासन के पास और ना ही सरकार के पास। कैमरामैन नीरज और सहयोगी के पांडे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर। तो गाइस आपने ये वीडियो देखा जो डिटेल में बताया है पूरा, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।